मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का अब पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से विश्वास उड़ चुका है, दोनों का जादू उतर चुका है, इसलिए वे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ वाले रास्ते यानी बुलडोजर की राह पर चल रहे हैं। साव आजकल तरह तरह के बयान दे रहे हैं, उनकी ट्वीट को देखकर ये लगता है। एक तो प्रजातांत्रिक लड़ाई है जिसको हम लोग लड़ रहे हैं, मसाले यात्राएं किए हैं, बहुत सारे आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो न्यायालय, वो तो राहुल जी पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि न्यायालय की जो लड़ाई है वो लीगल टीम है वो लड़ेगी, और दूसरा राजनीतिक लड़ाई है वो हम लोग लड़ेंगे। अरे किसको दूंगा मैं, मैंने एस आई टी गठन किया है ना, कुछ नहीं, दो तीन लोगों को बुला के बात कर ले तो सब समझ आ जाए, दो तीन लोगों को नार्को टेस्ट कर ले सब समझ आ जाए, क्लियर हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। दो तीन सवाल हैं जिसका उत्तर है तो है, मुझे जानकारी है, लेकिन ये ना ये जांच करेंगे तो वो तो जो घटना स्थल में थे उसको तक के गवाही नहीं ली, इतने साल हो गए है ना, और उसके बाद उससे क्या उम्मीद करोगे। यदि हम एस आई टी गठन करते हैं तो कोर्ट चले जाते हैं, जांच नहीं करते, दूसरे एफ आई आर करते हैं तब भी वो चले जाते हैं कोर्ट, तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। इतना बढ़ सकता है कोरोना काल, ऐसे में इसको एहतियात नहीं बरता जा रहा है, तो मास्क लगा रहे हैं, क्या होता है इसके बारे में? हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, सी एस साहब ने अध्यक्ष मीटिंग ली, सारे कलेक्टर हैं, सारे अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। अरुण साव जी आजकल तरह तरह के बयान दे रहे हैं और उसके ट्वीट भी देखो, उसके बयान देखो, तो लगता ये है कि भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़ हो चुका है। अरुण साव जी का विश्वास अब मोदी और शाह से हट चुका है, अब उसकी बात नहीं करते, अब वो बुलडोजर की बात करने लगे, मतलब योगी आदित्यनाथ उस रास्ते में चलते हैं, मतलब ये है अरुण साव जी ने स्वीकार कर लिया है कि अब मोदी और शाह की जादू उतर चुका है, ठीक है, पर तो गया दुनिया में सबसे बड़ा हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी के जादू इसलिए उतर गया है कि रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, महंगाई अलग बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल रसोई गैस केरोसिन कीमतें बढ़ रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, अडानी के बारे में कोई जवाब नहीं देते, तो अब वो बुलडोजर का रास्ता पकड़ गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी मौका नहीं मिला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ ऐसा कुछ है, छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस के मॉडल है वो तो पूरे देश भर में चर्चा में, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, आदिवासी हो, गरीब हो, उस सब के लिए योजनाएं बनी हैं, तो उसकी चर्चा तो पूरे देश भर में और देश के बाहर भी है, तो कर्नाटक में जाएंगे तो वही बात होगी जो हम लोग छत्तीसगढ़ में किए।